कितना मजे का इमाम इमाम जैनुल आबिदीन अस्सलातु वस्सलाम जिनका लकब सज्जाद है, उनको जब खबर हुई खैर क्या ओए ये तो मेरा ये देखिए ये धारा का बनवा लिया हमने हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। एक अनाउंसमेंट थी, वो ये अनाउंसमेंट थी कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो सफरेश की सीरीज चल रही थी उसके दौरान मैंने व्लॉग्स कुछ देर की 7-8 दिन की ब्रेक लगी। वो ब्रेक इसलिए लगी क्योंकि मेरी एडसेंस इशू हो गया था जिसकी वजह से मेरी मोनेटाइजेशन रोक दी गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने एक हफ्ते के अंदर दोबारा उसको रिकवर कर लिया, मोनेटाइजेशन ऑन होगी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो व्लॉग्स थे वो कहीं ना कहीं पीछे आगे रह गए, जिसमें से कल मैंने 28 सफर का लगाया था, थोड़ी सी उस पर रीच का थोड़ा इशू आया, बट नो वरीज इंशाल्लाह वो सेटल बैक हो जाएगी। अभी ईद ज़हरा 2 दिन पहले गुजर गई मैंने मनाली, मेरे पास वो व्लॉग पड़ा है तो मैंने ये सोचा है कि देखें दिन की मुनासबत से लगनी चाहिए चीज़ें, इसलिए ये वाला व्लॉग जो आप ईद ज़हरा का देख रहे हैं ये ज़रा आप यानी कि ये व्लॉग जो मेरे पहले वाले 2 व्लॉग्स हैं वो पड़े हुए हैं, जो मैं वहाँ से आया फिर मैंने गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट की है, लेकिन वो मैं इस व्लॉग के बाद लगाऊंगा। यानी जो लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा वो 28 सफर में करबला में ही था, उसके अगले दिन मैंने लाहौर आना था, वो व्लॉग रेडी है, सब कुछ रेडी है, बट ड्यू टू 8-10 दिन का गैप आ गया, जो मेरा इशू था मैंने आपको बता दिया, एडसेंस का इशू था, मोनेटाइजेशन रोकी हुई थी, जिसकी वजह से मुझे ना चाह के भी व्लॉग रोकने पड़े, लेकिन उसकी वजह से ये हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ गया, व्लॉग मेरे पास पड़े हुए हैं। लेकिन अभी ईद ज़हरा का व्लॉग लगेगा, उसके बाद मैं वापस वो जो 2 मेरे व्लॉग्स पड़े हैं वो लगाऊंगा, क्योंकि दिन की मुनासबत के हिसाब से मैं व्लॉग लगाना चाह रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार का लेवल सपोर्ट उस तरह रहेगी जिस तरह आप लोग दिखा रहे थे, और इंशाल्लाह एक दफ़ा ये सारे व्लॉग लग जाए तो फिर हम लोग तरतीब के साथ रेगुलर चलेंगे इंशाल्लाह, अपने प्यार का लेवल दिखाते रहें, मैं व्लॉग का लेवल बढ़ाता रहूँगा इंशाल्लाह जी। तो अभी जो आप व्लॉग देखेंगे वो ईद ज़हरा है जो कि मैंने 1 दिन पहले बनाया है, और इसके बाद इंशाल्लाह या शायद कल भी मैं ईद मिलादुन्नबी का व्लॉग भी लगा दूं, क्योंकि ये अभी दिनों की मुनासबत चल रही है, और इंशाल्लाह इनके बाद जो मेरा वहाँ से आने वाला बगदाद एयरपोर्ट से लेकर लाहौर, और जो लाहौर में मेरा वेलकम हुआ था बड़ा ग्रैंड वेलकम मेरी फैमिली ने किया था, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन, बड़े मज़े के व्लॉग हैं वो आपने ज़रूर देखने हैं, लेकिन पहले ये व्लॉग देख लें क्योंकि ये अभी दिनों की मुनासबत के साथ ये है। तो चलें शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं ईद ज़हरा हमने कैसे मनाई आपस। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और मज़े में होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। 2 महीने मुहर्रम बड़ी बाकायदगी से मनाए, पूरी जितनी डिटेल आपको हो सकता था दिखाई, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपना सफर इश्क पूरा मुकम्मल करके उस पर पूरा दिखाया। मेरा एडसेंस का थोड़ा इशू हो गया था जिसकी वजह से मुझे 8-9 दिन थोड़ा गायब रहना पड़ा क्योंकि वो मोनेटाइजेशन में इशू आया हुआ था, बट अभी आपका भाई प्रॉपरली बैक आ गया, रेगुलर व्लॉग्स में हम लोग आ गए हैं, और घर भी अब मुझे आगे जो मेरा एक वो जेट लैग और वो थकावट मोड था वो ख़त्म हो गया, घर आ गए हैं, और आज का जो दिन है बड़ा खुशियों वाले महीने शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि मैंने कहा खुशियों वाला महीना शुरू हो गया क्योंकि रबीउल अव्वल है, और हमारे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आपके सबके पिस भी अपने उनकी विलादत आमद का महीना है, तो इससे बड़ा खुशियों का महीना कोई हो नहीं सकता, और उनकी मुनासबत से और भी इस महीने में बड़ी खुशी है। तो पर आज है ईद ज़हरा, ईद ज़हरा कहते हैं, जो डिटेल है वो सारी मैं आपको बताता हूँ। आज के दिन हजरत मीर मुख्तार ने सारा करबला का बदला लिया था, और इसलिए इस जगह इस ईद को ईद ज़हरा और ईद शुजा कहते हैं, और ये बड़ा ही पुरमसरत 9 रबीउल अव्वल का ये दिन होता। चले अच्छा पहले अम्मी के पास में लेके जा रहा हूँ, आज मामी को भी देख ले, मामी भी फुल रेडी शेडी हुई है, जो मामी हम कमिंग बैक। अरे मैम तुम्हें लोग इतना मिस कर रहे थे, मेहमत कहाँ चलाई। हाँ जी चल, हाँ जी सब आ सके जी। अम्मी जी वेलकम बैक टू माई व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे। हम सब थोड़ा थक हैं, अम्मी पीछे है। अच्छा मैं आज के बारे में कुछ ये बताना चाह रही थी कि जब हजरत मीर मुख्तार ने बदला शुरू किया लिया, तो हमारे चौथे इमाम इमाम जैनुल आबिदीन अस्सलातु वस्सलाम जिनका लकब सज्जाद है, उनको जब खबर हुई तो वो मुस्कुराए। इस हवाले से भी ये आज का दिन 9 रबीउल अव्वल बहुत
अकीदत मनाया जाता है, और दूसरा हमारे इमाम जमाना जो हमारे आखिरी इमाम है, वक्त के इमाम है, उनकी ताजपोशी हुई थी। अच्छा, हाँ जी। और हजरत मीर मुख्तार ने बदला भी लिया। हाँ, वो तो मैंने पहले बता दिया। और जी एक्चुअली कल हम लोग एक प्री सेलिब्रेशन कर चुके हैं, वो आज से भी मेंस थी। मैं व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि मैं एक आधी जगह पर जाना था, प्लस मैं थोड़ा मेरी क्योंकि थकावटी नहीं उतरी हुई थी, लेकिन आज मैंने फिर एहतमाम किया, लेकिन कल ज्यादा एहतमाम था। तो अभी जो भी एहतमाम है वो थोड़ा दिखाएंगे हम लोग थोड़ा, क्योंकि अब खुशी के भी जब अल्लाह की तरफ से दिन है तो खुशी भी बड़ी पुरजोश तरीके से मनानी चाहिए। ऐसा महीना जब हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद भी होनी है इंशाल्लाह, वो भी इंशाल्लाह बनाएंगे। तो चले शुरू करते हैं आज का। अभी मामी, अच्छा मुझे मैसेज आ रहे थे क्योंकि जाहिर है मैं 14-15 दिन बाद आया हूँ, तो मामी और मेरी फैमिली नई व्लॉग में जाहिर है वहां पर इंशाल्लाह ने मौका दिया, हम लोग सब जाएंगे। तो मुझे कल किसी ने कहा हुआ था मामी शौकत साहब सबको लेके आए, तो मामी तो यार मैं जब लाहौर में होता तो मामी तो हमारी वैसे ही मामी आ जाए। क्या आपने फेवरेट शॉट पकड़ा हुआ किचन का? हमारी मामी भी फुला जी। मामी जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ, इतनी देर के बाद हाँ, और अब हम रेगुलर आते रहेंगे क्योंकि मामी हम लोग सारा हमारे यही सारी फैमिली ब्लॉगिंग है। मामी क्या क्या मजे का बनाया अभी? मैंने वो कोरमा रेडी किया। अच्छा ठीक है। सलाद वगैरह बच्चियां बना रही है प्रसाद और सारा कुछ मजेगा। हाँ मीठा भाई, मामी मैंने खाने बड़े चले खाने मैंने बड़े बड़े मजे खाए, लेकिन जितना मैं अपनी मामी के हाथों के खाने मिस करता था ना, क्या बात है। मामी एक्चुअली मामी मेरी कजन भी हैं, हम लोग लाइक मेरी मामू की मेरे मामू की बेटी भी हैं, हम लोग मेरी बहन भी है और मेरी मामी भी है। मामी लेकिन हमारा इनके साथ एक बड़ा बॉन्ड है, मेरी माओ जैसी भी है, माँ ही है बल्कि मामी छोटी माँ, लेकिन बड़ा मिस किया मामी आपके खाने बेहतरीन। जब खाना मुझे कहती थी मामी मुझे वहां पर मुझे बड़ी आती थी, मामी कहती हम सही खाता, तो भाई मुझे भी खुशी बड़ी हो रही है, लेकिन मामी इंशाल्लाह कसम से हर जगह दुआ की है कि अल्लाह मौका दे कि आप शौकत साहब हम लोग सारे इकट्ठे जाए इंशाल्लाह। चले अभी बच्चे सब लोग इंशाल्लाह सब लोग, तो मामी जरा लगाएंगे तो फिर दिखाते हैं इनको, और थोड़ा कसीदे भी सारा शुगर लगाते हैं इंशाल्लाह। अभी क्योंकि ईद ज़हरा है और कल तो केक बड़ा एक कर चुके हैं, लेकिन अभी क्योंकि मैं सेलिब्रेट अभी आज कर रहा हूँ तो मैंने सोचा केक लेके आते हैं, तो बुराक को भी मैं साथ लेके जा रहा हूँ। बुराक चलोगे मेरे साथ? चलोगे? जल्दी केक लेके आए मम्मी। मेहमान आने शुरू हो गए, ये गाड़ी एक आ गई, एक आ गई, बाहर मेरी लगी हुई है, ताकि मेरे उन्हें भी बुला लिए के साथ साथ जश्न में वो भी हमारे शरीक हो। चला हम केक लेके। हेलो जमाल, इधर तो देखो बड़ी प्यारी लग रही है। निकले केक लेके आते हैं और फिर आके थोड़ा जश्न मनाते हैं। थैंक यू मोहसिन चैंपियन। चलो जी केक, मम्मी आप आएंगी गाड़ी में बैठेंगे? नहीं ब्रॉक है साथ। चलो मैं जाता हूँ लेके। केक तो मैं लेने आ गया लेयर्स पे, मैंने सोचा ड्रीम केक ले लेते हैं लावा वाला, इसके ऊपर करवा लेंगे हम लोग, लिखवा लेंगे भाई केक ईद ज़हरा लिखना, ठीक है? नीचे हाथ बना दीजिएगा। ये देखिए ये दारा का बनवा लिया हमने, मॉल्टन लावा ले जैसा करवा दीजिए बिल्कुल। चलिए जी केक से ले लिया, क्या पकड़ लेट्स गो अंदर जाके जश्न मना रहे हैं। चले जी मजे का केक लेके आया हूँ जी, बराग जी, यम जी, ड्रीम केक जी, है जी हैप्पी 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 लेके हैप्पी हैप्पी। A few moments later. अच्छा जी खाना लग गया, खाना खा के फिर केक कटिंग करते हैं और फिर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ईद ज़हरा। खाना तो खा लिया सबने, अभी हम लोग केक कटिंग करने लगे हैं। डेजर्ट गुलाब जामुन। अच्छा जी गुलाब जामुन काट नहीं करने। अरे हैदरी यारी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। कितना मजे करने से है।
अच्छा जी, मैंने रिक्वेस्ट की है अपनी खाला से कि कसीदा आज के दिन की मुनासबत से कसीदे भी सुना दें, क्योंकि दो महीने हमने सब पूरी फैमिली ने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एहतराम और पूरी बाकायदगी से मुहर्रम मनाए। अभी मैं रिसेंटली आया हूँ इश्क सफर इश्क से, तो अब ज़ाहिर है खुशियों का महीना और बड़ा बाबरकत महीना है, तो अभी इंशाल्लाह आज से जश्न का पूरा ये शुरुआत हो जाएगी। तो अभी कसीदा करते हैं, मीठा तो हमने केक कटिंग कर ली है, तो प्लीज़ सब चले गए अल्हम्दुलिल्लाह। कल एक हमने ऑलरेडी जश्न मना लिया था, लेकिन आज मैंने दोबारा से सेलिब्रेट करवाया बिकॉज ऑफ मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बुलाऊंगा और थोड़ा मैं भी इन्वॉल्व हूँगा। कल फैमिली लेडीज का ज्यादा था, तो आज भी ज्यादा फैमिली ही थी, बट मैंने कहा नहीं मैं दिखाऊंगा। खैर अभी मैं रूम में आ गया, अभी चौकत साहब से भी आपको मिलवाता हूँ जाके। मेरे एक्चुअली चौकत साहब की तबीयत थोड़ी खराब हुई है, उन्हें शुगर है, तो इसलिए थोड़ा आजकल लो रहते हैं। दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उन्हें सेहत याब करे। ये एक जी ट्रिक लेके आओ जी दोनों, यान अहमद की एक चीज दिखानी। आओ जी पहली ये क्या है, ये गैजेट दिखाओ ना इधर, इधर आओ ना। क्या क्या है? अच्छा चलो जी टक टक करो। क्या आओ इधर आओ। कैसे? अच्छा अच्छा जी पहले आप करो, पहले अब जल्दी करो ना, इधर इस साइड पे आ जाओ इधर, जल्दी टाइम नहीं इतना। चलो जी मैं मत करने लगा ये ट्रिक को, ये चाइनीज ये कुछ चीज आई है। 1 2 3 ओ तेरी खैर, क्या ओए ओए, ये तो मेरे से भी नहीं होता। मेरा शहजादा है ये। चलो जी अब यान की बारी, यान हारना नहीं है। ये क्या कर रहे हो? गुस्सा यार, गुस्सा नहीं करते यार, गुस्सा नहीं करते। दिखा मैं करता हूँ, दिखा मुझे दिखा। आप तो लूजर हैं, आप तो नहीं कराओ लूजर। यार से नहीं हो रहा, चल मेहमत करके दिखा, ये तो मेरे से भी नहीं हो रहा। चलो जी मेहमत 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 बड़ा उस्ताद चीज है।
क्या बात है, क्या बात है यार, वाह वाह। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, हमने घर पे थोड़ी सी आपस में सेलिब्रेशन की। एक्चुअली कल एक हो चुकी थी, आज एक मैंने की, सब आगे सबके मेरे कहने पे। शौकत साहब मेरे जो मामू हैं उनकी थोड़ी तबीयत खराब है, मुझे कमेंट्स में कहा जा रहा था कि उनको लाएं, तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब है तो उनके लिए भी दुआ करें। मामू हाय करो जरा साहब, मैं कहेगा मेरा इतना हैंडसम मामू थोड़ा जरा बीमार हुए हुए हैं, तो अल्लाह इनको सेहत याबी दे जल्दी, इसलिए वो ज़्यादा एंगेज नहीं हो रहे, लेकिन एक दो दिन में मैं ले आऊँगा इनको, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ व्लॉग आपको लगा होगा अच्छा, और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। इस व्लॉग की ड्यूरेशन थोड़ी सी 4-5 मिनट कम है, लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह आगे आने वाले व्लॉग सही ड्यूरेशन के बनाएंगे और अपने प्यार का लेवल उस तरह ही चुप कर रखें ताकि मुझे यहाँ से मेहनत करने में मजा आए। क्यों मामी सही कह रहे हैं, फिर सबको लाइक सब्सक्राइब करें जो भी कहने करो। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में।